तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल में। दोस्तों वीडियो कैसे अपलोड करते हैं आज का टॉपिक है, टिकटॉक पर किस तरह वीडियो अपलोड करें और टाइमिंग। क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो, टैग डालते हो, बहुत अच्छी बात है। बैकग्राउंड सेट करते हो, बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन डालते हो, बहुत अच्छी बात है। बट सबसे बड़ी गलती करते हो जो कॉमन है और सभी करते हो, वो क्या है, वीडियो उठाई और अपलोड कर दी। यानी कि एक वीडियो का एक टाइमिंग होता है जो आप लोगों को अभी नहीं पता है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वीडियो जो होती है वो अच्छी रीच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अच्छे लाइक नहीं ले पाती या फिर वो वायरल नहीं हो पाती है। अच्छे लाइक नहीं मिलेंगे इस वजह से। आज मैं इस टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो का एक्चुअल टाइम क्या है, किस टाइम पर उसको अपलोड करा जाए और ऑडियंस किस वक्त ज़्यादा होती है टिकटॉक पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा दोस्तों, जो चैनल हमारे नए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नए हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल चीज़ अगर आपको सबसे पहले देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं टिकटॉक के बारे में दो चीज़ आपको बता दूँ। पहली चीज़ ये है कि टिकटॉक ऑफिशियली अपनी तरफ से खुद प्रमोट करता है नए यूज़र्स को और पॉपुलर करेक्टर को, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, वही टिकटॉक ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपलोड और बिल्कुल भी शेयर अपनी तरफ से नहीं करता है जो गलत कंटेंट बनाते हैं। क्योंकि अब तो एल्गोरिथम उसका अलग हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन उसके अलग हो चुके हैं जैसा आप सब लोगों को पता है। तो टिकटॉक पर करना क्या है दोस्तों, जो टाइम और रीचेबल पब्लिक होती है वो कौन सी होती है। अगर आप वीडियो बना रहे हो, अच्छा टॉपिक आपके पास है, अच्छा डिस्क्रिप्शन है और आपको लगता है कि ये अच्छे व्यूज़ ले जाएगी और अच्छे व्यूज़ इसमें आने चाहिए, तो उसके लिए टाइमिंग है, या तो आप सुबह 10 बजे डालो, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच डालो, तो रीच आपको अच्छी मिल सकती है क्योंकि उस वक्त आपकी ऑडियंस बिल्कुल ऑन होती है टिकटॉक पर। और अगर उसके बाद आप डालते हो तो ऐसे में आपके व्यूज़ नहीं आ पाएंगे। दूसरी कब डाल सकते हो आप, या तो लंच टाइम में डालो, क्योंकि जो लोग आफ्टर लंच होते हैं, लंच टाइम में बाहर होते हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं तो टिकटॉक देखते हैं, तो आपकी सर्चेबल उसमें ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो सारी की सारी वीडियो कोशिश करो कि आप शाम के टाइम में डालो तो ज़्यादा अच्छा है। अब शाम के टाइम में जो टाइमिंग है वो 6 बजे के बाद है, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 बजे, यानी कि 4 घंटे आपके पास हैं। 6 बजे से 10 बजे तक आप कभी भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। उसमें क्या है, अब मैं आपको भी बताता हूँ कि जो टाइमिंग मैंने बताई, इस टाइमिंग का बेनिफिट क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम सब लोगों के पास हैंडसेट होता है या फिर सब लोग इतना फ्रीज होते हैं कि अपना उसको यूज़ कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करना होता है तो उसको व्यूज़ मिलते रहते हैं। और टाइम लंच का जो मैंने आपको बताया वो इसलिए होता है कि जैसे कि जो लोग ऑफिस में होते हैं तो उनके लिए लंच में टाइम मिल जाता है तो वो फ्री हो जाते हैं, तो फ्री होकर भी वो अपना टिकटॉक यूज़ करते हैं या फिर और भी अदर एप्लीकेशंस पे आते हैं तो वो सोशल मीडिया एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा शाम को, सब आपको पता ही है कि शाम को 6 बजे के बाद सब लोग फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। और ऐसा ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ, कोई बातें कहीं से लिखी और मैंने उठाई नहीं है, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो एक बार आप ऐसा करके देखिएगा, आपके व्यूज़ 110% अबव मिलेंगे और कंटेंट जो आप बनाइएगा वो इस तरह हो कि दूसरों से अलग हटके थोड़ा सा होना चाहिए। क्योंकि टैलेंट होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यूनिक टैलेंट होना बहुत अलग बात है। टैलेंट है कि आप वीडियो बना रहे हो और टैलेंटेड हो, लेकिन यूनिक टैलेंट है कि आपके अंदर यूनिक टैलेंट है और आप उसको शेयर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग उसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, अगर आपके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट है तो। जो पब्लिक बनाती है आप बिल्कुल उसको देखो, लेकिन उसकी तरह मत बनाओ, कुछ हटकर बनाना पड़ेगा। और टाइमिंग जो मैंने आपको बताई उस टाइमिंग पे आप उसको अपलोड करो, शेयर करो, इंशाल्लाह सब आसान होगा और अच्छा होगा, ऐसी मेरी शुभकामना आप सब लोगों के साथ। और जिनको दिक्कत है दोस्तों वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टिकटॉक से रिलेटेड मैं सारी वीडियोस यहाँ पर बनाता हूँ, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। बस आज के लिए इतने ही दोस्तों, बाय।